और कोई ये कहे कि हमने पांच पाप किए हैं तो अब 10 पुण्य कर लेंगे, तो 10 माइनस 5 तो भी 5 पुण्य बैलेंस में रहेंगे। ये गणित तो बिल्कुल गलती से भी मत लगाना, क्योंकि कर्म के सिद्धांत में बाद बाकी है ही नहीं, जोड़ ही जोड़ है। वहां 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 होता ही नहीं है, वहां तो 10 पुण्य प्लस 5 पाप इज इक्वल टू 15 कर्म, 15 भोगने पड़ेंगे। कर्म के सिद्धांत में बाद बाकी नहीं है, योग योग जोड़ ही है, प्रत्येक कर्म भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उपाय यही है कि पाप से परहेज करो। हाँ, इतना जरूर है कि पुण्य में लगे रहोगे, सत्कर्म में लगे रहोगे, तो यह भी पाप से बचने का एक साधन है। अब देखो, जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर तो बीड़ी सिगरेट से दूर रहे ना। जितनी देर तक कथा में बैठी सास बहू उतनी देर तो झगड़ा नहीं हुआ ना, फायदा ही। इसलिए सत्कर्म में, सेवा में, प्रभु भजन में लगे रहो। डोंगरे जी महाराज कहते थे, भजन में सेवा में लगे रहो, इतने लगे रहो कि शरीर थक जाए और पथारी में पड़ते ही नींद आ जाए, मन कुछ पाप का सोचे ही नहीं, पाप का अवसर मिले ही नहीं।